यूपी से जहां हरदोई सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने भाग रहे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। जी हां, खबर है यूपी जनपद हरदोई के सिनेमा चौराहा पर पुलिस कर्मियों के द्वारा दो पहिया वाहनों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का चलाया जा रहा था अभियान। इसी के दौरान एक आपचे बाइक तेज रफ्तार से निकल रही थी। आपचे बाइक पर सवार नौजवान युवक ने हेलमेट व मास्क नहीं लगाया हुआ था, जिसको देखकर हरदोई सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने पकड़ा तो बाइक सवार ने बाइक की रफ्तार को और तेज कर दिया, जिससे सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह थोड़ी दूर लोटपोट होते हुए चले गए। फिर भी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बाइक को नहीं छोड़ा। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उस भाग रहे बाइक सवार को पकड़ा और सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार को काफी ज्यादा चोटें आईं, खास करके उनका हाथ पूरा लहूलुहान हो गया। वहां पर मौजूद सभी स्थानीय लोगों ने सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह की प्रशंसा की और बहादुरी का सम्मान व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे थाना कोतवाली शहर के कोतवाल जगदीश यादव, इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन, दरोगा संतोष कुमार कैथल ने चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार की बहादुरी की प्रशंसा की और सम्मान व्यक्त किया। सदर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे बाइक सवार नौजवान युवक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, ना अपनी सुरक्षा की फिक्र करते हैं, ना ही दूसरों की। ऐसे नौजवान युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी अति आवश्यक है। देखिए अशोक कुमार की यह रिपोर्ट। अभी भी बैंडेज से लगा निकला है। नहीं, उसमें बैंडेज लगा, अगर उसको दूसरी ले लो।